उसमें 8,000 रुपया पड़ गया तीन कट्ठा कहाँ से लग रहा है और सुरक्षित भेजने के सब मौसम भेज करके। नमस्कार, मैं विवेकानंद चौरसिया नेचर डिग्री चैनल में आप सबों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज हम आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी से, जो एक वयोवृद्ध किसान हैं, परिचय करा रहा हूं। और इन्होंने हम जो रास्ता अपनाया है जैविक खेती का, आइए हम उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी बोल रहे हैं जी, हम देसी का बीज का उपयोग करते हैं और ख़ास करके गोबर और पेशाब, गाय का पेशाब और गोबर, और इसमें बेसन 2 किलो अथी देते हैं, दाल का बेसन जो होता दाल का बेसन चना का, और उसके बाद ये गुड़ डालते हैं, ये सब मिलाकर। और जो जंगल का मिट्टी है, जो खाद कभी नहीं पड़ा है, या पीपल के गाछ या बर के गाछ के नज़दीक का मिट्टी हम लेकर के उसमें 1 सप्ताह तक उसको खूब मिला करके रखते हैं, उसके बाद वो जैविक खाद होगा। मतलब उसका जो पत्ता सड़ता है, आसपास जो पत्ता सड़ता है, वो मिट्टी उठा करके लाते हैं आप? नहीं नहीं, वो नहीं, जड़ के नज़दीक में जो बैक्टीरिया जो है ना प्रकृति का, वो उस में जैसे खाद देने के बाद ये सब खत्म हो जाता है, इसलिए वो जो है वो ला करके देते हैं इसमें, जैसे ये वो कीटाणु का वृद्धि करने के लिए उसमें डालते हैं। अच्छा, जो लाभदायक जीवाणु है पौधा के लिए, जीवाणु जो है उसी को डाल करके तब तैयार करते हैं। देखिए भीतर जाइएगा, बहुत बना रहे हैं। उसके बाद अब वो हो गया खाद हमारा, पहले पानी छींट करके उसको जमीन में छींट करके है इसका। जैविक खेती से जो फसल तैयार होता है, सब्जी फल साग कुछ भी, हाँ, उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, लगता है। हाँ, अच्छा, मतलब इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। यह क्या बाबा? ये जो है गोबर का सड़ा हुआ गोबर है, अभी सड़ा हुआ है, उसके बाद इसमें पेशाब और गुड़ बेसन ये सब दे करके वही मिट्टी, बाहर वाला मिट्टी ला करके इसमें फेरते हैं, उसके बाद तैयार होता है। दाल का बेसन डालते हैं? नहीं, चना का। चना का? चना का, हाँ। अच्छा, चना हो चाहे रहर हो चाहे ये क्या कहते हैं उड़ीद हो, ये तीनों को डाल सकते हैं, इसमें कीटाणु ज्यादा बनता है। मतलब जो पौधा के लिए लाभदायक है? हाँ, लाभदायक है। अच्छा, और कीटाणु की वृद्धि होता है, प्रकृति का जो बैक्टीरिया है ये जो पौधा के लाभदायक बैक्टीरिया, हाँ, और ये इस कीटाणु को जो अंदर में है बुरा खराब वाला वो खत्म हो जाता है, खराब जीवाणु खत्म हो जाता है। हाँ, अच्छा, पौधा में कीट पतंग भी नहीं लगता है? नहीं लगता है, हाँ, ये सब फायदा हुआ। हाँ, तो आप क्या सलाह देंगे किसानों को कि जैविक खेती से क्या फायदा है, क्यों करना चाहिए? देखिए, जैविक खेती करने से बहुत लाभ है, इसमें क्या, एक तो खाने पीने में भी स्वस्थ होता है, सब भोजन अच्छा होता है, और साथ साथ वो इसमें कोई बीमारी नहीं आता है, बीमारी नहीं होता, हाँ, और टेस्ट भी खाने में अच्छा होता है, कोई नुकसान नहीं है, और कम लागत है इसमें। आपका कितना उम्र है? हमारा अभी 83 है। 83 वर्ष है? हाँ। तो शुरू से आप जैविक खेती करते आ रहे हैं या बाद में अपनाए हैं? नहीं, अभी 5 साल से। 5 साल से अपनाए हैं जी। तो पहले के खेती में और अब के खेती में किसको अच्छा बता रहे हैं? पहले की खेती में जो होता था, हम ज्यादा परेशान हो जाते थे बीमारी कारण, क्या पौधा में इतना बीमारी चलता है कि हम संभाल नहीं पाते थे। अच्छा, तब इसको अपनाया है, इसमें हमारा अच्छा है, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। ये खीरा का है, खीरा झिंगा करेला 3 जोग दिए थे। बैसाख हो गए? हाँ, ये कैसे चलना,
लास्ट में हो जाएगा। साफ कथी लग जाओ फिर वहाँ से आए थे होते तब ना सिंगल वाले जबरदस्त आपने इस क्यारी में क्या लगाया है? इस क्यारी में मक्का है, झींगा है, कद्दू है। अच्छा, और इसमें हमने बकरी का मिष्ठान डाला है, है ना? हाँ, बकरी का जो बिष्ठा होता है। हाँ, बिष्ठा होता है। हाँ, उसको हमने डाला है। अच्छा, और इसमें कभी भी हम रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करते हैं। और ये पौधा आपको आप देख सकते हैं कि किस तरीके का है। Thank you.